आज हम कोर पोल का आइसोलेटर ओपन करेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसा काम करता है। ये मतलब एमसीबी जैसा काम, कोर पोल का एमसीबी जैसा काम करता है या डायरेक्ट रहता है, इसके अंदर भी क्या है मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो चलिए हम इसको अभी खोलना चालू करते हैं, इसका पूरा लॉक कटिंग कर देते हैं। तो हम अभी इसको ओपन करके आपको दिखाने जा रहे हैं। आप अभी देख पा रहे हैं कि ये सब एमसीबी अलग अलग हो गया। अभी मैं इसका इंटरनल पार्ट दिखाऊंगा आपको। आइसोलेटर में इसमें ट्रिप करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारा एक कॉइल होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो इसमें नहीं है। ये डायरेक्ट क्या है कि ऑन कर दिए, ये खाली स्विच का ही काम करता है। ये देखिए, ये ऑन कर दिए, यहाँ पे ये टच हो गया और ये यहाँ से सप्लाई सीधा इधर ट्रांसफ़र कर देता है। अभी मैं ये आइसोलेटर का पार्ट हो गया, अभी मैं एमसीबी का पार्ट दिखाता हूँ, एमसीबी में कैसा होता है। ये देखिए एमसीबी में ये चीज़, ये देखिए इसमें ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे कि अगर तो ये है अपना 10 एम्पेयर का, तो ये 2 किलोवाट तक का ये लोड लेगा। उसके ऊपर होएगा जैसे 2.5 हुआ या 2.1 हुआ, तो ये क्या है इसको ट्रिप कर देता है। यहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे मैग्नेटिक होता है जो इसको ऐसा जैसे खींचता है, यहाँ पे ये देखिए ऐसा, यहाँ पे इसको टच मार के बंद कर देता है। ये आप ग्रे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये अंदर इसके, और ये क्या है जब इसे ओवरलोड होता तो ये इधर से एक अपना, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर से यहाँ से ये नॉक करता है, नॉक करता तो ये पार्ट यहाँ से ये यहाँ तक है। इसको जैसे हाथ अभी लगाए गए, इसको ये बंद हो गया। देखिए तो ये ऐसा काम करता है।